खबर बागपत से है। आपको बता दें कि बागपत के लिए अच्छी खबर है, जहां पर्यटन मंत्रालय ने ऐतिहासिक पुरा महादेव गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयन कर लिया है। देश भर के 36 गांव पर्यटन गांवों में यूपी का अकेला पुरा महादेव ही है जिसका चयन हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बागपत के सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव और पुरा महादेव गांव के प्रधान ब्रह्मपाल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 पुरा महादेव को धरोहर श्रेणी में चयनित होने पर सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इससे एक ओर जहां पुरा महादेव गांव पहचान दुनिया की नक्शे पर हो गई है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बागपत के लोगों ने इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि हिंडन नदी के किनारे बसे पुरा महादेव गांव को प्राचीन काल से ही धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ये शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सावन मास में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक पुरा महादेव गांव स्थित परशुराम मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां भगवान परशुराम ने तपस्या करते हुए शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद से ही लोग मंदिर में भगवान शिव से जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। ये बहुत हमारे लिए खुशी का विषय है कि जनपद बागपत का जो हमारा पौराणिक महत्व का गांव है पुरा महादेव, उसको विश्व पर्यटन दिवस पर कल नई दिल्ली में 27 सितंबर को एक पुरस्कार दिया गया। धरोहर श्रेणी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। मुझे बताया गया कि पूरे भारत में मात्र 36 गांवों का ऐसा पुरस्कार मिला है और जनपद बागपत का यह गांव प्रदेश में अकेला गांव है जिसको धरोहर श्रेणी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। बागपत में हम लोगों ने शासन की नीति के अनुसार पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए और अपनी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए समय समय पर विभिन्न विभागों से अनेक कार्य पहले से ही कराए हैं। इसके अलावा भी उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम लोग तरह तरह की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही पुरा महादेव मंदिर के निकट ही एक अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान केंद्र पर्यटन विभाग के सौजन्य से विकसित करने की योजना है, जिसमें शासन से भी हमें अनुमोदन मिला है और उसके क्रम में हम लोग भूमि क्रय करके एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान केंद्र का विकास बागपत में पुरा महादेव मंदिर के निकट हरियाखेड़ा के समीप करने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं राजपाल शर्मा, निवासी पुरा महादेव और पुजारी हूँ। पुजारियों में सबसे बड़ी एज का इस समय मैं ही हूँ। जो बुजुर्ग थे तो सब भगवान को प्यारे हुए। पुरा गांव को सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरी अमित संभावना है। सबसे पहले तो यहाँ जो ग्रामीण के बच्चे हैं या क्षेत्रीय बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं, उन्हें रोजगार की संभावना उपलब्ध होगी। वे अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करें, उनका जीवन स्तर उठेगा। वे दूसरी जो कुरीति है उनसे बचेंगे। तीसरे दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो आवागमन के साधन है जो बहुत अच्छे होने हैं और भी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी जो संभावना है वे बहुत ज्यादा उजागर होंगे, जिससे क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ होगा। दिल्ली क्षेत्र के दिल्ली राजधानी के नजदीक होने के वजह से इस क्षेत्र का और सामूहिक विकास होगा, जिससे यहाँ की जनता का जो जीवन स्तर बढ़ेगा, उन्नति होगी और आने वाले जो पर्यटक विभाग पर्यटन संबंधी देखने वाले जो आदमी हैं इस क्षेत्र में वे लोग यहाँ आएंगे। इससे उन्हें बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, जो अनपढ़ आदमी है उन्हें भी, खेती करने वाले जो आदमी है उन्हें भी, व्यापार करने वाले उन्हें भी, जो दुकानदार लोग हैं उन्हें भी, सबको अपनी संभावित आमदनी की अपेक्षा इस समय की जा रही है। लोगों में उत्साह है, सब खुशी मना रहे हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। पहला हमारे कहने का बागपत मतलब है, जब से उत्तराखंड हमारे से अलग हुआ है उसके बाद में कोई पर्यटन स्थल तो इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि जो था वो हरिद्वार जो उत्तराखंड में चला गया, रुड़की
उत्तराखंड में चला गया। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान है जो पर्यटन विभाग के लिए सबसे उत्तम है, इसलिए यहाँ की संभावना को देखते हुए मैं भगवान शिव की ओर से अपनी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्रीय जनता की तरफ को विकास के लिए ध्यान दिया। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता यह है कि प्राचीन समय में ऋषि रहते थे जिनका नाम था यमदग्नि ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था रेणुका जी। यहाँ पर बराबर में परशुराम खेड़ा है, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनके वे यहाँ पर निवास करते थे। यहीं से रह करके वे हिंडन नदी से जल भर कर के ले आया करते थे, रोजाना घड़ा बनाते थे और रोजाना उसे फोड़ देते, उसके चिन्ह आज भी यहाँ पे मिलते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, एडवोकेट हूँ और मंदिर समिति में शंकर भोले की कृपा से सचिव हूँ। पूरी टीम है हमारी, काम करती है। ये एक ऐतिहासिक गांव है, मैं गांव को ऐतिहासिक कह रहा हूँ, मंदिर तो है ही, गांव भी ऐतिहासिक है। और यहाँ दूर दूर से कांवड़िया आते हैं, भगत आते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता है। तभी लोग बाग आते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो ऐतिहासिक है। और सरकार ने भी गांव घोषित किया है पर्यटन स्थल सबसे जी, हमारे पास अभी रेटिंग में कुछ नहीं है, लेकिन हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, दो चार दिन में हमें प्राप्त हो ही जाएगा, तो सरकार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। यहाँ क्या संभावनाएं नजर आती है? संभावना ये रोजगार भी बढ़ेंगे, जमीन भी अच्छी जाएगी किसानों की, और जो होगा विकास होगा। नौजवान जो युवक हैं उन्हें संभावना है कि यहाँ नौकरी भी मिलेगी। बाहर से भी लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। महाराज जी का ये इधर चलेगा संस्कृत महाविद्यालय का, जैसा सुन रहे हैं बता रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ी संभावना है कि क्षेत्र का विकास हो। विदेश से भी लोग जो पर्यटन होता है तो विदेश से और जन आते हैं, आप पहली बार बागपत एक ऐसा गाँव होगा जो विदेश से लोग आएंगे? जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा है और विदेश से, क्योंकि बाबा के संपर्क में कई देश है, वहां से भी लोग भाग आ रहे हैं, यहाँ से जाते हैं तो वहां से।